देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बड़ी खबर का। बड़ी खबर में बात करेंगे देश में बढ़ते कोरोना मामलों की। कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तमाम तरीके से देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 2000 से भी ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि देश में कोरोना की क्या स्थिति है। ग्राफिक्स के जरिए आपको भारत की स्थिति का पता लगाते हैं कि कैसे कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि देश में कोरोना की किस तरीके से जो रफ्तार है वो एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। तमाम तरीके से आपको समझाते हैं। कोरोना के मामले की बात करें तो 16 अप्रैल के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि उस समय कोरोना के 975 केस थे, जो कि 17 अप्रैल की अगर बात करें बढ़कर 1000 से भी ऊपर हो गए। 1150 जो नए केस थे 17 अप्रैल को सामने आए। वहीं अगर बात करें कोरोना की 18 अप्रैल के आंकड़ों की, तो 18 अप्रैल को 2183 का आंकड़ा सामने आया कि किस तरीके से कोरोना का ग्राफ जो है वो 16 अप्रैल से बढ़ता बढ़ता 18 अप्रैल तक 2183 का जो आंकड़ा है वो छू लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर एक बार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 19 अप्रैल को आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली, कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली, जो कि घटकर 1247 हो गए। वहीं फिर अचानक से कोरोना के मामलों में फिर एक बार कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली। बात की जाए 20 अप्रैल के आंकड़ों की, तो 20 अप्रैल को 2067 जो आंकड़ा रहा, सबसे ज्यादा आंकड़ा रहा 2067, जो कि इसके मुकाबले यानी कि 19 अप्रैल के मुकाबले काफी ज्यादा था। 19 अप्रैल को जहां एक बार कोरोना के आंकड़ों में गिरावट देखी गई, तो वही 20 अप्रैल को कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखा गया। वही बात की जाए अगर 21 अप्रैल के आंकड़ों की, तो 21 अप्रैल को कोरोना के मामलों में फिर एक बार जो है वो 20 अप्रैल से ज्यादा का ग्राफ देखने को मिला। इजाफे कोरोना के मामले में फिर बढ़ोतरी देखने को मिली। मामले 2380 मामले सामने आए कोरोना के। उसके बाद फिर इसने रफ्तार पकड़ ली और उसके बाद जो लास्ट जो आंकड़ा सामने आया यानी कि 22 अप्रैल का आंकड़ा सामने आया, तो वो था 2527 का आंकड़ा। किस तरीके से देख सकते हैं आप कि कोरोना के मामलों ने किस तरीके से रफ्तार पकड़ ली। 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक के आंकड़े बता रहे हैं किस तरीके से कोरोना लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीच में कोरोना किस तरीके से धीमा पड़ा था कि आप देख सकते हैं कि एक समय ऐसा भी आया, यानी कि कुछ 19 अप्रैल की अगर आंकड़ों की बात करें तो जब कोरोना धीमा पड़ा, लोगों के चेहरे से मास्क उतर गए, तमाम तरीके से आप इससे अनुमान लगा, एक टाइम ऐसा आया कि कोरोना के मामलों में गिरावट देखी गई, फिर अचानक से कोरोना के मामले फिर से लौट पड़े हैं, कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ लिया है। 7 दिनों की बात करें तो 12000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें 358 कोरोना के मरीजों की मौत हुई है। वही बात की जाए अभी इस तरीके से मामलों में उछाल आ रहा है, तो ये काफी डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और कहना पड़ेगा कि अब कोरोना डराने लगा है। किस तरीके से मामलों में लगातार तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। अभी 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो 2527 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर बात की जाए मौतों के आंकड़े की कि मौतों का आंकड़ा क्या रहा, तो नए आंकड़े भी मौतों के सामने आ रहे हैं। किस तरीके से 33 मरीज जो थे वो कोरोना के, जिनकी मौत हो गई है, तो किस तरीके से आंकड़े बदलते जा रहे हैं। लगातार कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। एक समय ऐसा था जब कोरोना के मामलों में लगातार तेजी से जो धीमी रफ्तार थी वो देखने को मिली, फिर अचानक से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला। हाँ, हमने आपको स्क्रीन पर लगे ग्राफिक्स के जरिए तमाम तरीके से जानकारी देने की कोशिश की कि किस तरीके से कोरोना के मामले जो है 24 घंटों में 2000 से भी ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। इनमें अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो 33 मरीज जो है कोरोना के, उनकी मौत हो गई है। किस तरीके से कोरोना के जो हालिया आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं और वाकई में इन्हें देखकर लग रहा है कि अब कोरोना वाकई में डराने लगा है। कोरोना का सितम किस तरीके से भारत में फैलता जा रहा है। भारत नहीं, भारत के अलावा अगर विदेशों की बात करें, शंघाई की हालत तो और भी ज्यादा खस्ता है। वहां पर भी कोरोना के लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिला है। इन सब आंकड़ों को देखने से साथ ही साथ जानकारी से पता चलता है कि भारत
टॉप 20 की लिस्ट में आ गया है, उन देशों की लिस्ट में आ गया है, उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। अभी हालिया की बात करें तो इंदिरापुरम से भी तमाम तरीके, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्कूलों के बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। किस तरीके से लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, आंकड़े चौंकाने वाले हैं, आंकड़े सामने हैं, तमाम तरीके से आंकड़े सब कुछ बोल रहे हैं, आंकड़े सारे मंजर को बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। डीडीएमए की गाइडलाइन फिर से फॉलो हो रही है, डीडीएमए ने मास्क पर जो प्रतिबंध था वो वापस हटा दिया। क्यों? क्योंकि कोरोना के मामलों में फिर से इजाफा देखने को मिला। 2 अप्रैल को मास्क लोगों के चेहरों से हटा दिए गए थे, लेकिन फिर एक बार कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से मास्क फिर से अनिवार्य कर दिया गया। किस तरीके से कोरोना के लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ बच्चों को, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों की, जो बच्चे भी किस तरीके से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि बच्चों की वैक्सीन को लेकर अब तक क्या प्रयास किया गया सरकार की तरफ से, बच्चों के लिए वैक्सीन कब निजात होगी, बच्चों के लिए वैक्सीन कब बनेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कोरोना के शिकार हो रहे हैं वो बच्चे हो रहे हैं। क्योंकि अब तक देखा गया है कि वैक्सीनेशन बड़ों के लिए वैक्सीनेशन है, 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का दौर कब आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। किस तरीके से देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस समय भारत के सामने तमाम तरीके की चुनौती है कि कैसे इन परिस्थितियों का सामना करते हुए, इनसे लड़ते हुए देश को इससे पार करना है किस तरीके से। तो सबसे पहले तो यही है, हम आपसे, हम एबी स्टार के तमाम दर्शकों से यही अपील करेंगे कि सभी दर्शकों से हमारी बस यही अपील है कि एहतियात बरतें, मास्क का उपयोग करें और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। देश में जिस तरीके से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, बात की जाए अगर पूरी दुनिया के आंकड़ों की तो कुल मिलाकर 62,40,000 से भी ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए जिनमें की जान गंवा दी गई। वहीं अगर इसमें भारत के लोगों की बात की तो 5,22,149 जो थे वो भारत के लोग थे। वहीं बात की जाए वैश्विक स्तर पर अमेरिका की तो अमेरिका से 10,00,000 मौतों के मामले सामने आए हैं। किस तरीके से हर रोज कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, हर रोज कोरोना से लगातार भारत में मौतों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। अब टॉप 20 देशों में भारत शामिल हो गया है, उन देशों में जहां से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जहां से शुरू थे वहीं पर हम आकर रुक गए। कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है, कोरोना का जो कहर है किस तरीके से भारत पर टूटता हुआ दिख रहा है। तमाम तरीके से अस्पतालों की हालतें भी अगर हम बयां करें तो अस्पतालों में भी मरीजों की संख्याओं में लगातार तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं इसको लेकर अगर बात की जाए तो अब बीच में ये भी देखा गया है कि सरकार भी इसको लेकर थोड़ा सा एहतियात बरतते हुए तमाम तरीके की गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। मेट्रो में भी तमाम तरीके की एहतियात, मास्क को लेकर सबसे ज्यादा जो जरूरी है मास्क को अनिवार्य कर दिया गया। इस वजह से जो मास्क एक बार पहले यानी कि 2 अप्रैल को मास्क को हटा दिया गया था, लोगों के चेहरों से मास्क हट गए थे, अब वापस मास्क आ गए। यानी कि ये साफ तौर पे बता रहा है कि किस तरीके से देश में कोरोना की लहर आ चुकी है, कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है और कोरोना के मामलों में किस तरीके से इजाफा हो रहा है। हालांकि भारत में 15वें और 17वें नंबर पर है। शुक्रवार को अगर बात की जाए तो 33 देशों में से लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा दी है और किस तरीके से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 7 दिनों में अगर मौतों की बात करें, तमाम तरीके से अगर वैश्विक स्तर पर बात की जाए, पूरे विश्व की, इसमें हम सभी देशों को लेना चाहेंगे, जिनमें कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से 2,234 मौतों के आंकड़े सामने आए 7 दिनों के अंदर। वहीं अगर बात की जाए ब्रिटेन की तो यहां से कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,860 रही। वहीं अगर रूस की बात करें तो 1,536 जो है मौतों का आंकड़ा रहा, पिछले सात दिनों के आंकड़ों की बात कर रहे हैं हम। दक्षिण कोरिया की बात करें तो यहां से 1,257 जो था वो पिछले 7 दिनों के अंदर कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा रहा। जर्मनी की बात करें तो 7 दिनों के अंदर कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,165 रही। वहीं इटली की बात की जाए तो यहां पर 997 रही। वहीं अगर बात की जाए थाईलैंड की तो यहां पर 891, फ्रांस की बात की जाए यहां पर 884 और वहीं ब्राज़ील की बात करें तो 778 और वहीं कनाडा की बात की जाए तो 465। तो किस तरीके से देख सकते हैं कि तमाम तरीके से हर देश जो है वैश्विक स्तर, पूरा देश, पूरी दुनिया किस तरीके से कोरोना से जूझ रही है। भारत
भारत भी स्थिति से लड़ने के लिए तमाम तरीके से अपने अपने स्तर पर सब कोशिश कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, हर तरीके से तमाम गाइडलाइन को फॉलो किया जाए, तब तमाम तरीके से कोशिश की जा रही है। संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी देखने को मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक यहां पर संक्रमण की अगर बात की जाए तो अब तक 1.71 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके बाद वेस्टर्न पैसिफिक देशों की अगर बात की जाए तो यहां पर 2.28 लाख और वहीं ईस्टर्न देशों की बात की जाए तो 3.41 लाख मौतों के आंकड़े सामने आए हैं। साउथ ईस्ट एशिया जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, चीन जैसे देशों में जहां पर मौतों के आंकड़े की बात करें तो 7.83 लाख यहां पर मौतों का आंकड़ा रहा। सबसे ज्यादा भारत में यानी कि 5.22 लाख लोगों ने यहां पर अपनी जान गंवाई। इसके बाद अगर यूरोप के देशों की बात करें तो अब तक 19.77 लाख से भी ज्यादा अमेरिकन देशों ने जो है मौतों का आंकड़ा रहा जिन्होंने अपनी जान गंवाई। किस तरीके से कोरोना का जो कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के 9 राज्यों के 36 जिलों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बात की जाए भारत को लेकर तो भारत के कुछ जो क्षेत्र हैं जहां पर तमाम तरीके से कोरोना के मामले सामने आए जिनमें कि हरियाणा का गुरुग्राम, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश का नोएडा, मध्य प्रदेश का श्योपुर और दिल्ली का साउथ, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट सेंट्रल, साउथ वेस्ट और नई दिल्ली शामिल है। अगर बात की जाए पॉजिटिविटी के रेट को लेकर तो गुरुग्राम से 12.55%, तो वहीं पर अगर नोएडा की बात की जाए तो यहां से भी पॉजिटिविटी रेट जो सामने आया वो था 12 दशमलव के पार सामने आया। तो किस तरीके से जो पॉजिटिविटी रेट है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, 5% से भी अधिक पॉजिटिविटी रेट में इजाफा देखने को मिला। वहीं अगर बात की जाए बच्चों को लेकर कि बच्चे किस तरीके से पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो 25-30% बच्चे जो हैं वो कोरोना की चपेट में नजर आए। दिल्ली NCR के तमाम इलाकों से पिछले 10 दिनों के को अगर उठा के देख लिया जाए, उनके आंकड़े देख लिए जाएं तो 25-30% बच्चे ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। किस तरीके से कोरोना लगातार तेजी से अपना कहर बरपा रहा है, तमाम तरीके से जो है दिल्ली सरकार भी किस तरीके से बार बार अपील कर रही है। तमाम प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के माध्यम से हो गया, ट्विटर, फेसबुक, तमाम तरीके से डिजिटलीकरण के वजह से तमाम तरीके से कनेक्ट करके तकनीकी रूप से ऑडियंस को, दर्शकों को तमाम तरीके से अपील की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से कि कोरोना के तमाम नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और लापरवाही ना बरतें। किसी भी तरह की मास्क जरूर पहने, मास्क बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। मास्क नहीं पहनने पर ₹500 तक का जुर्माना भी तय किया गया है। ये सब जितनी भी नियम है, मास्क किसी भी नियम को बनाने का मकसद होता है कि उस नियम के प्रति लोगों को सचेत करना। किसी भी जैसे ₹500 का जुर्माना लगा है तो इसका मकसद आपसे जुर्माना इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है आपको सचेत करना, आपकी परवाह करना और आपको सुरक्षित रखना। इसीलिए ये कदम उठाया गया है, ₹500 का जुर्माना तमाम तरीके से जो है इसका नए जो नियम बनाए गए हैं उनको लेकर है ताकि आप सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ महफूज रहें और कोरोना से सुरक्षित रहें। वैक्सीनेशन को लेकर भी सरकार तमाम तरीके से अपील करती रहती है कि वैक्सीनेशन लगवाएं, टीका लगवाएं। बल्कि आप ये देखिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री खुद इस चीज़ को बताते हैं, वो खुद इस तरीके के जब उनका दौरा सामने आया, भारत दौरे पर थे, तो उन्होंने भारत की वैक्सीन को लेकर किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया सामने आई तो बताता है कि विदेशों में भी भारत की वैक्सीन का किस तरीके से निर्यात हो रहा है, विदेशों से भी लोग भारत की वैक्सीन को पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में टीकाकरण को सपोर्ट करना चाहिए और वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सभी को वैक्सीनेशन का सपोर्ट करना चाहिए, कोरोना के प्रति सचेत रहें क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना
कोरोना अभी भी बरकरार है, हमारे बीच है कोरोना, कोरोना के लगातार नए नए वेरिएंट भी सामने आए, कभी ओमिक्रॉन देखने को मिला है, तो इस तरीके के नए नए जो वेरिएंट है वो भी कोरोना के आए दिन सामने आ रहे हैं। कुछ जगह जैसे कि बात की जाए चीन की, बात करते हैं अगर इसको लेकर, तो चीन के शंघाई में हालात कोरोना से और भी ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर अस्पतालों की हालत ऐसी है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते अस्पतालों की हालत वहाँ पर अस्पतालों में जो शव हैं इतने ज़्यादा हैं। चीन कई बार देखा गया कि चीन अपने मौतों के आंकड़े भी छुपाता रहा है, और चीन की अस्पतालों से बेहद खौफनाक मंजर भी सामने आए हैं। चीन में किस तरीके से शंघाई प्रांत में बीच में देखा गया कितने कोरोना के मामले सामने आए, लगातार जहां से कोरोना की शुरुआत हुई वहीं से कोरोना के मामले लगातार तेज़ी से बढ़ते गए। तो अभी भी दुनिया इस चीज़ से सतर्क नहीं हुई है पूरी तरीके से, अभी कोरोना को शायद हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी, भविष्य तक भी शायद कोरोना खत्म ना हो पूरी तरीके से, लेकिन हाँ सावधानी के साथ हमें एहतियात के तौर पर तमाम तरीके से अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहे, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम नियमों का पालन करें, तो कोरोना शायद आपको छू भी नहीं पाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि देश में कोरोना की क्या स्थिति है और कोरोना किस तरीके से लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, लगातार DDMA भी नई नई गाइडलाइन बना रहा है, नए नए नियम बना रहा है, किस तरीके से मास्क पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया गया, जो बता रहा है कि देश में कोरोना की स्थिति अब सामान्य नहीं रही, किस तरीके से लगातार मौतों में भी इजाफा देखने को मिला है, 2000 से भी ज्यादा कोरोना के 24 घंटों में मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABC Star News। नमस्कार।